फिश फ्राई बनाने के लिए मैंने भेटकी फिश लिया है, इसे हमने इस तरह से काट लिया है और अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें नींबू के रस को निचोड़ कर डाल देना है। एक छोटी चम्मच नमक डाल देना है। अब फिश में नमक और नींबू को अच्छी तरह से लगा लेना है। एक एक पीस में हमें इस तरह से नमक को लगा लेना है। अब नमक और नींबू लगाकर इसे साइड में रख देना है। अब मैंने एक प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरी धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती लिया है। सभी को मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। इसमें हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक चम्मच पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखिए पेस्ट हमारा रेडी है। मछली के एक एक पीस के ऊपर हमें इस पेस्ट को अच्छी तरह से लगा देना है। मछली के चारों तरफ हमें अच्छी तरह से इस पेस्ट को लगाना है। इस फिश फ्राई को एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को काफ़ी पसंद आती है। इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। मछली के एक एक पीस पे हमने ये पेस्ट लगा दिया है। अब ढककर 10 मिनट के लिए इसे रख देना है। एक बोल में 3 अंडे को लिया है, इसमें नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मछली के ऊपर थोड़े से मैदा को डालकर इसे अच्छी तरह से कोट कर लेना है। फिश की और भी अच्छी अच्छी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। अब अच्छे से कोट कर लिया है। अब अंडे को अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसमें मछली के एक पीस को लेकर अंडे में डिप कर देना है। अब ब्रेड क्रम से इसे कोट कर लेना है। इसे और क्रिस्पी बनाने के लिए एक बार फिश को अंडे में फिर से डिप किया है और फिर से ब्रेड क्रम से कोट कर लिया है। ब्रेड से कोट करके इसे एक प्लेट में रख लेना है। एक चाकू की सहायता से इसे इस तरह से शेप बना लेना है। एक एक फिश के पीस को हमें इसी तरह से डिप करके और ब्रेड क्रम से लपेट कर रख लेना है। कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। फिश हमारा रेडी है। आंच को बिल्कुल धीमा रखना है, नहीं तो अंदर से मछली कच्चे रह जाएंगे। धीमी आंच पर पहले एक साइड से हमें सेक लेना है। अब एक साइड से लाल हो गए हैं, अब इसे पलट देना है। फिश हमारे दोनों साइड से बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, अब इसे किचन टॉवल पे निकाल लेना है।
सभी फिश को हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। मछली को काफ़ी सावधानी से पलटना है ताकि ये टूटे ना। यदि आपके यहाँ भेटकी फिश ना हो तो ऐसी फिश लें जिसमें कांटा ना हो, तो ये फिश फ्राई बन जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब फिश फ्राई हमारा रेडी है। इसे हमने सलाद और सरसों वाले सॉस के साथ सर्व किया है। इसके ऊपर थोड़े से काले नमक को छीट देना है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। ये फिश फ्राई बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। इसे आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।